सावन के पहले दिन सोमवारी के दिन ही भागलपुर से दर्दनाक घटना की जानकारी सामने आ रही है। सावन की पहली सोमवारी को नवछिया में 10 बच्चे की डूबने की खबर सामने आ रही है। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से 6 बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन 4 बच्चे डूब गए। मिली जानकारी के मुताबिक भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर थाना क्षेत्र की मथुरापुर गंगा जहाज घाट पर नहाने के क्रम में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से 3 मृतक बच्चों के शव को नदी से निकालकर परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं एक की खोजबीन जारी है। मृतक बच्चे नवछिया थाना क्षेत्र के नया टोला के रहने वाले थे। इस संदर्भ में घटनास्थल पर मौजूद मृतक के साथियों ने बताया कि सोमवारी को लेकर नवछिया नया टोला गांव से 11 बच्चे गंगा स्नान करने के लिए मथुरापुर गंगा जहाज घाट आए थे। गहरे पानी में जाने की वजह से 10 बच्चे डूबने लगे। स्थानीय लोगों की मदद से 6 बच्चों को बचा लिया गया, जबकि इस हादसे में 4 बच्चे 18 वर्षीय शिवम कुमार पिता दिगंबर शर्मा, 16 वर्षीय सोनू कुमार पिता दिलीप गुप्ता, 18 वर्षीय आलोक कुमार पिता संतोष भगत, 17 वर्षीय संजीव कुमार पिता अरुण कुमार साह की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद घटनास्थल पर भवानीपुर थाना पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। छोटू कुमार, पिता का नाम श्री दिलीप गुप्ता। किसके साथ घटना घटी है आपके? भाई के साथ। बड़ा भाई छोटा? छोटा भाई। क्या नाम है? सोनू कुमार। पिता का नाम? श्री दिलीप गुप्ता। कहाँ घर हुआ? नया टोला नवछिया। कैसे क्या घटना घटी पता है? सब गया था मड़वा जल ढारने, तो फिर जल उठाने फिर मतलब अगवानी नैनपुर गंगा जी गया होगा नहाने, तो वही वहाँ नहाने के क्रम में आगे एक दोस्त जा रहा था, वही बचाने के क्रम में तीनों चारों उसमें पैर फिसल गया। उसमें सोनू भी डूब गया? सोनू भी डूब गया। सोनू अभी आप लोग कहाँ है? अभी हम सब सरकारी हॉस्पिटल नवछिया। सोनू के सब को लेकर? सोनू की किस क्या करता था? पढ़ाई करता था। किस क्लास में? 11th में है। 11th कहाँ पढ़ता था? यही मार्केट में हाई स्कूल। हाई स्कूल में? इंटर हाई स्कूल। इंटर हाई स्कूल। किस विषय का था वो? साइंस विषय का। साइंस का। आपको कब जानकारी मिली घटना की? परिवार दो अढ़ाई बजे पता चला था, तो हम सब गए थे घाट पर। अच्छा, वो कब मिला सर? सब मिला 5 बजे। आपका? मेरा नाम छोटे लाल शर्मा होगा। पिता का नाम? महेंद्र मिस्त्री। आपके किसके साथ घटना घटी? मेरे भतीजा हैं शिवम कुमार। शिवम कुमार। पिता का नाम? पिता का नाम दिगंबर शर्मा नाम है। घर नया टोला नवछिया। अच्छा, कैसे क्या घटना घटी है? गया था गंगा स्नान करके जो है मरवा मेला में अपना जल चढ़ाएंगे, सब दोस्त मिलकर गया था। तो गंगा स्नान करने के दरमियान जो है ना, ये लोग पता नहीं चला गड्ढे में कैसे जेसीबी से वहाँ गड्ढा खंदा हुआ था, इसी कारण जो है ना वो लोग उसी में जाते चला गया। सब एक दूसरे को बचाने में सब चला गया। चार बच्चे की 3 बच्चा तो यहाँ लाया गया अभी फिलहाल मौजूद, और एक बच्चा अभी आया नहीं। कितने भाई बहन? अकेला भाई में था, दो बहन है। दो बहन है, क्या नाम है दोनों का? दोनों, एक बहन का नाम है सुहानी, एक का नाम है शिवानी। दोनों बड़ी है छोटी है? छोटी है दोनों भाई। ये बड़ा भाई? हाँ भाई बड़ा था। अभी आप लोग कहाँ हैं? अभी नवछिया अनुमंडल आए हुए हैं, मतलब अस्पताल में। सूचना मिली आप लोग को? हम लोग को एक भतीजा और था उसके साथ गया था, वो सूचना दिया कि भैया जो है ना नहीं मिल रहे हैं, वो लोग जो नहाने गए हैं निकला नहीं है अभी तक। आप लोग फिर? हाँ 2 बजे मतलब की 1:30 बजे रात में ही यहाँ से गए थे। 1:30 बजे? हाँ। वहाँ नारायणपुर? नारायणपुर गए। कब मिला सर? बस लगभग 6 बजे मिला, लगभग 5:30 बजे। अभी कहाँ है? अभी नवछिया हॉस्पिटल मतलब नवछिया अनुमंडल अस्पताल में है। नाम आपका? मेरा नाम शिवशंकर कुमार। पिता का नाम? श्री धनुधारी भगत। किसके साथ घटना हुई आपके? मेरे भतीजे के साथ। क्या नाम है? आलोक कुमार। पिता का नाम? पिता का नाम श्री संतोष कुमार। कैसे क्या घटना घटी इसके बारे में? सब गए थे जल लाने के लिए। कहाँ गया वो? नारायणपुर। अच्छा, वहाँ से आता मरवा जल चल लेके, इसी क्रम में उसका पैर फिसल गया, गड्ढा था उसी में चारों उसी में विलीन हो गए, बचाने के क्रम में विलीन हो गए। और आपको कैसे, आपको कब जानकारी मिली? ये उसी का एक दोस्त था, वो कॉल किया घर पे कैसे से बात आलोक नहीं मिल रहा है, तब हम लोग जाने तो छटपटा के वहाँ दौड़े। आप कब पहुँचे थे घर? 3 बजे सुबह। अभी आप लोग कहाँ आए? अभी तो हम सदर हॉस्पिटल नवछिया आए हुए। कितने का सब बरामद हो गया? 3 का हुआ है। 4 डूबे? 4 डूबे हैं। और आलोक क्या करता था? आलोक पढ़ाई करता था, इस बार मैट्रिक में 1st डिवीजन आया था, इंटर अभी इंटर में एडमिशन हुआ था। हाँ, एडमिशन हुआ था तुलसीपुर हाई स्कूल में।
किस विषय का वो विद्यार्थी? एग्रीकल्चर में करवाया था। पढ़ता था जी। कितना भाई बहन है आलोक? आलोक दो बहन एक भाई। एक लता भाई जी। बहन बड़ी है छोटी? बहन बड़ी है। दोनों? दोनों। छोटा था जी। लता भाई जी। अच्छा, रात में जल चढ़ाने के लिए घर से जी? कैसे गया था यहाँ से? बाय ट्रेन। बाय ट्रेन गया था जी। तो पहले भी जाता था कि इस बार पहली बार गया था? पहले अगले साल भी गए। पिछले बार गया जी। इस बार भी गया? इस बार भी। तो मतलब नहाने के ही क्रम में घटना? नहाने के क्रम में। नया टोला निवासी, ये चारों लड़का नया टोला निवासी नगछिया निवासी था। ये लोग भोला बाबा को जल चढ़ाने के लिए मरवा मंदिर में रात में ही कैपिटल एक्सप्रेस से जल चढ़ाने के लिए गया था, और नारायणपुर घाट से जल भर के मरवा में चढ़ाना था। उसी दौरान गंगा में डूबने के कारण इस चारों बच्चे की मृत्यु हो गई। कौन कौन है चारों बच्चे? चारों नया टोला, जिसमें तीन, एक व्यक्ति का तो चार पुत्र है लेकिन तीन व्यक्ति को अकेला ही संतान था। भगवान ईश्वर इस दुख की घड़ी में उसको शक्ति प्रदान करें। सकते हैं बच्चों का नाम? मैं जीवन, शिवम बोलते जाइए, शिवम, आलोक, आलोक, मोनू, सोनू, संजू और सोनू। ये किसका सब नहीं मिला है? संजू का सब अभी तक नहीं मिल पाया। बाकी तीन का बरामद। क्या मांग रहे प्रशासन से आपकी? इस तरह की दुर्घटना फिर ना हो, प्रशासन से मैं अनुरोध करूंगा कि उस घाट पे समुचित व्यवस्था करे। लापरवाही बहुत ज्यादा लापरवाही है, ना लाइट की व्यवस्था की गई है, ना पे घाट पे ब्रैकेटिंग की व्यवस्था की गई है, जबकि पहले भी सभी के सभी पदाधिकारी के ये संज्ञान में था कि वह जहाज घाट पे जेसीबी से मिट्टी उड़ाई के कारण वहाँ पे बहुत सारा गड्ढा हो गया है, उस पर सावधानी रखने की जरूरत है। आम लोग और कंवरियों से आपकी क्या अपील है? जी, इस तरह के खतरनाक घाटों पे सभी गार्जियन से अनुरोध होगा कि इस तरह के छोटे बच्चे जो जल चढ़ाने के लिए घर से जाते हैं, तो गार्जियन से अनुरोध है कि इस तरह के खतरनाक घाटों पे वे बच्चों की निगरानी करें, और ये सुझाव दें, उनको बता के भेजें कि ज्यादा दूर नहीं जाना है, किनारे से जल भर के ही जलाभिषेक करना है। इस तरह की व्यवस्था करनी होगी। गार्जियन को भी जागरूक होना होगा, और सभी कंवरियों से भी अनुरोध है कि जहाँ पे खतरनाक घाट हो वहां पे सावधानी पूर्वक जल भरा। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आज भव्य आगाज हो गया है। अजगैबीनाथ धाम नगरी सुल्तानगंज में श्रावणी मेले का उद्घाटन हुआ, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिंह, राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल, भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, SSP समेत कई लोग मौजूद थे। सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। साथ ही श्रावणी मेला 2024 ऐप को लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से कांवरियों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी मिल सकेगी। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि अजगैबीनाथ के विकास के लिए मैं तत्पर हूं। इसके लिए राजस्व मंत्री होने के नाते जो मुझे कुछ करना पड़ेगा उसको करेंगे। इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं आ सकता कि अजगैबीनाथ का विकास हो। बिहार में जिस तरह से पटना और बोधगया का विकास हुआ है, उसी तरह से अजगैबीनाथ का विकास हो। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि भागलपुर के चंपापुरी और अजगैबीनाथ धाम में हजारों वर्ष की गुलामी ने ऐसी बातों को लुप्त करने का प्रयास किया है। आगे अब जरूरत है माँ भारती के लाल को, इस सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाएं। कोई भी गुलामी का प्रतीक 21वीं सदी में विकसित बिहार को, विकसित भारत को नहीं रोक सकता। ये भाव मन के अंदर जगाकर अजगैबीनाथ धाम को फिर से वो ऐतिहासिक गौरव वातावरण में लाना है, और यहाँ के सभी माँ भारती की संतान को ऐतिहासिक गौरव को आगे बढ़ाना होगा। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि दुनिया में इस तरह की व्यवस्था कभी नहीं मिलेगी। करोड़ों लोग एक बोली, बोलबम, एक रंग का कपड़ा रहता है। कोई हिंदुस्तान का, कोई नेपाल का, कोई बांग्लादेश का रहने वाला श्रद्धालु, सबकी जुबा पर बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। पूरी दुनिया में इससे बड़ा सेकुलरिज्म नहीं हो सकता। एक महीने तक लगभग 1 करोड़ लोग आते हैं, जिसका एक ही मकसद होता है, माँ गंगा का जल उठाना और वैद्यनाथ बाबा को समर्पित करना। इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं आ सकता है कि अजगैबीनाथ का विकास हो। और मुझे लगता है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी शायद आप जितना बात बोले उससे भी आगे का सोच रहे हैं कि बिहार में जिस तरह पटना और बोध गया का विकास हुआ है, उसी तर्ज पर अजगैबीनाथ धाम का भी विकास हो, ऐसा चिंता हम लोग कर रहे हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आप अजगैबीनाथ धाम के निवासी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इतने श्रद्धालु इस धरती पर आते हैं, और आपको बाबा ने मौका दिया है कि उस श्रद्धालु का सेवा करें, क्योंकि आपका कल्याण इसी में है। अजगैबीनाथ धाम में रहने वाले
सभी जो भी यहाँ पर भाई बहन बुजुर्ग बैठे हैं, पूरे अजगैवी नाथ धाम में ये संदेश दीजिए कि इस श्रद्धालु का सेवा करके आप बाबा को खुश कर सकते हैं, भोले बाबा आपसे प्रसन्न रहेंगे। दुनिया में मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा तो जन्म ही इस इलाके में हुआ है, और दुनिया में इस तरह का व्यवस्था दुनिया में कभी आपको नहीं मिलेगा। करोड़ों लोग एक बोली बोल बम, एक कपड़ा, कलर भी सबका कपड़ा का एक मिलेगा, और कोई हिंदुस्तान का रहने वाला है, कोई नेपाल का रहने वाला, कोई बांग्लादेश का रहने वाला, कोई भूटान का रहने वाला, कोई श्रीलंका का रहने वाला, और सब बोली एक ही बोलते हैं, बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा। दूसरे कोई चीज और इतने बड़े, मैं तो कहता हूं इससे बड़ा सेक्युलरिज्म दुनिया में नहीं होता। लगभग एक महीने में लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग, और मकसद सबका एक ही है, मां गंगा का जल उठाकर और भगवान शिव के शिव को जाकर बैद्यनाथ धाम पे चढ़ाने का काम करना है। ये ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और ये सनातन धर्म है जिसने इस पूरे समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया। कई चीजों पर ललित जी ने विस्तार से बताया, लंबे समय से हम लोग इसका काम करते आ रहे हैं, पता नहीं आधा आधा काम हमारा फंस जा रहा। नमामि गंगे से हम लोगों ने सीढ़ी बनाने के लिए उस समय 100 करोड़ किया दिया, वो भी पूरा नहीं हो पाया। पुल हम 2014 से लगे हुए हैं, क्योंकि मैं गंगा के उस पार का प्रतिनिधित्व करता था, और इसको भागलपुर से सीधे जोड़ने का प्रयास हमने शुरू किया, पता नहीं इसको भी ग्रहण लगा। लेकिन एकदम स्पष्ट करता हूं साथियों, एक एक चीज को व्यवस्थित करना है, इस पुल को भी फिर से काम करना शुरुआत कराऊंगा और इस पर चलने का काम किया जाएगा। जब मां शक्ति की चिता भूमि पर अवस्थित बाबा बैजनाथ को जल चढ़ाते हैं तो वो अपने लिए तो पुण्य अर्जित करते ही हैं, साथ ही जगत के मंगल में भी अपनी भागीदारी करते हैं। इसलिए बाबा अजगैवीनाथ हमारी लोक संस्कृति में जग के मंगल के प्रतीक माने जाते हैं। ऐतिहासिक रूप से यह स्थान हमेशा से भक्ति का, शक्ति का जीवंत स्थान रहा है। यह बहुकालीन कला और संस्कृति का विख्यात केंद्र रहा है, रुक्त काल में भक्ति का केंद्र रहा है। यह बाम मार्गी साधुओं की साधना स्थली भी रही है। इसलिए जब अपने मन में बाबा बैद्यनाथ से अपने मनोरथ की कामना करने वाले कांवड़िया यात्री यहाँ से जल भरकर निकलते हैं तो उनकी पैदल यात्रा भी सुखद प्रतीत होती है, उनकी सारी कामनाएं पूरी भी होती है। अतः इस श्रावणी मेले में शामिल होकर न केवल आनंदित हूँ बल्कि बाबा अजगैवीनाथ और बाबा बैद्यनाथ की असीम अनुकंपा का भी हम सब भागीदार बनते हैं। यहाँ तो इसे आप ज्यादा बेहतर जानते हैं कि जाह्नवी ऋषि के जंगे से माँ गंगा का पुनर्जन्म का भी स्थल ये माना जाता। ये अंगिका और चंपापुरी जिस तरह से ऐतिहासिक हमारी ये धरोहर विरासत है, हजार वर्ष की गुलामी में कई ऐसी बातों को कहीं न कहीं लुप्त करने का प्रयास किया, लेकिन माँ भारती के संतानों ने उसको गुप्त नहीं होने दिया, उस परंपरा को बरकरार रखा। अब जरूरत है 21वीं सदी के भारत में कि माँ भारती के संतान सभी मिलकर के अपने भारत के सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने का, सांस्कृतिक विरासत को आने वाले पीढ़ी को अवगत कराने का, और कला संस्कृति विभाग से हमने फिल्म नीति का। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी।
तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में एबी मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल, जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। सावन की पहली सोमवारी को अजगैवी नाथ धाम में शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। आपको बताते चले कि सावन की पहली सोमवारी पर सुबह से अजगैवी नाथ धाम के उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाने के लिए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी शिव भक्तों ने उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर गंगा जल लेकर बाबा भोलेनाथ का जलार्पण किया, और लाखों कांवरियों ने भी अजगैवी नाथ धाम पहुंचकर उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर गंगा जल लेकर गंगा पूजन करते हुए बाबा भोलेनाथ को जलार्पण करने के लिए पैदल वाहन से वैद्यनाथ धाम के लिए बोलबम हर हर महादेव के नारों के साथ रवाना हुए। भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। पूरे अजगैवी नाथ नगर एवं अजगैवी नाथ मंदिर में हर हर महादेव बोलबम के नारों से गुंजायमान रहा। वहीं जिला प्रशासन के निर्देश पर अजगैवी नाथ गंगा घाट, मंदिर परिसर, कच्ची कावरिया पथ सहित पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नगर परिषद के द्वारा भी साफ सफाई व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं देश के अलग अलग राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धा अजगैवी नाथ धाम पहुंचे और यहां से जल लेकर 105 किलोमीटर की दूरी पांव पैदल तय कर बाबा बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं, महादेव से मनोकामनाएं मांग रहे हैं। आज अनुमानता 80,000 कांवरिया जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम जाएंगे। भक्तों के बोलबम के जयकारे से कांवरिया पथ गुंजायमान हो रहा है। लोग अपनी अपनी मनोकामना लेकर बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। इस महीने का श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार रहता है। आज जैसे ही वो दिन आया, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। सावन का पहला सोमवारी है और बाबा शिव जी का जो भक्त हैं और श्रद्धालु लोग हैं, अच्छा श्रद्धालु का भीड़भाड़ है और अच्छा व्यवस्था है, ठीक है। प्रशासन का व्यवस्था हमारे यहाँ दुरुस्त है, ठीक है, और ठीक ठाक से सुबह 4-5 बजे से जो है यात्री चल रही है और कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार का। और सावन का तो 5 सोमवार श्रावणी मास का पड़ा है इस बार, और हर सोमवार को जो है बाबा जगन्नाथ में भीड़ भाड़ अच्छा दिखता है और अच्छा चलता है। बाकी सावन है, सावन में तो सभी श्रद्धालु लोग जो है बाबा का शिव जी का प्रिय दिन है, एक महीना उसमें जो जलाभिषेक पूर्ण रूप से होता है। मैं श्री पंत स्नान जुना अखाड़ा जगन्नाथ मठ सुल्तानगंज भागलपुर नाथ प्रेमानंद जी और गंगा मैया का कृपा हो रहा है, गंगा मैया का जलाभिषेक जो है बढ़ रहा है, वृद्धि पर है, और देखो तो 4 सावन में गंगा मैया बढ़ जाना तो अच्छी बात है और कंवरियों को उत्तरवाहिनी से जल भरने का सौभाग्य मिलेगा। मजा आ रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। सावन का बाबा का दरवाजा, बहुत दिन के बाद दर्शन। क्या मांगे बाबा से? आज के बाबा से मांगे प्रसाद उरसाद सब ले लिए हैं, उसके बाद पास उस हो जाए मांग लिए हैं। एग्जाम में बाबा का आशीर्वाद रहेगा तो सब चीज हो जाएगा।
जीवन जागृति सोसाइटी के तत्वाधान में सर्पदंश के द्वारा जागरूकता अभियान आज नवादा राघोपुर खरीक एवं नौगछिया प्रखंड में किया गया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि झाड़ फूंक के चक्कर में जाकर समय बर्बाद किए बिना जल्द अस्पताल ले जाए और एंटी स्नेक वेनम से इलाज करवाएं तो 100% जान बच सकती है। उन्होंने कहा कि सभी रेफरल अस्पताल में इसकी दवा उपलब्ध है। साथ उन्होंने कहा कि देश में 60,000 एवं बिहार में करीब 5,000 लोगों की जान सांप काटने से होती है। सांप काटे व्यक्ति को जल्द अस्पताल पहुंचाने के अलावा कुछ और बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें चीरा नहीं लगाए, इसे कसकर रस्सी से नहीं बांधे, उससे पैर सड़ने का खतरा होता है और कई बार पैर काटना पड़ जाता है। इसके अलावा जब उसे खोला जाता है तो अचानक से विष तेजी से हृदय के द्वारा ब्रेन और अन्य जगहों पर पहुंचकर सांस रोक देता है और दवा भी जान नहीं बचा पाती। सर्पदंश के मरीज को विष धीरे धीरे जाए इसके लिए कटे भाग को हृदय से नीचे रखे और उसे चलने नहीं दे। उसके कटे अंग में उसी तरह का स्प्लिट बांध दे जैसे हड्डी टूटने में बांधते हैं और इन उपायों के साथ अस्पताल में इलाज कराने से व्यक्ति बच सकता है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सांप विषैला है या नहीं, विष वाला है या नहीं, इस उलझन में देर हो सकती है। उन्होंने पोलियो उन्मूलन के अभियान दो बूंद जिंदगी के तर्ज पर सर्पदंश में 24 घंटे अस्पताल में के नारे दिए और कहा कि अपनी जिंदगी खातिर 24 घंटे कम से कम रुक जाए। आज का कार्यक्रम जाह्नवी चौक, लक्ष्मीपुर, नवादा, इस्माइलपुर, भिट्टी पर्वत्ता, तेतरी, तुलसीपुर, जमुनिया, खरीक, मकनपुर इत्यादि जगहों पर जहां सर्पदंश की जागरूकता के अलावा CPR के बारे में ट्रेनिंग दिया गया एवं नुक्कड़ नाटक के द्वारा समझाया गया और पैम्पलेट बांटा गया। बड़ी संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम को सुना और ग्रामीणों ने आश्वासन दिया कि आपके द्वारा बताई गई बातों का पालन करेंगे। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष के अलावा सदस्य नीरज कुमार, पिंटू कुमार, रजनीश कुमार, मृत्युंजय, अखिलेश आदि ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। सफल रहा, काफी लोग लाभान्वित हुए, लोगों को जानकारियां मिली। हम लोग देहात में हैं, ज्यादातर लोग झाड़ फूक पर विश्वास करते आए हैं, करते रहे हैं, लेकिन भारत सरकार का यह अभियान सचमुच में जन चेतना के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। लोग खुश है इसको जानकारी पाकर। जागरूकता बचाव अभियान चलाया गया था अजय सर के द्वारा, जो कि हम लोगों के बीच में आए और सर्पदंश के बारे में और इसके बचाव के बारे में बताए गए। क्या क्या सीखे आप? क्या मुख्य बात है? मुख्य बात सीखी यही कि हम लोगों को जो अंधविश्वास में बचे तोड़े हुए थे कि पहले झाड़ फूक के खेल में रहते, लेकिन झाड़ फूक के खेल में नहीं रहना है। हम लोगों के जितना जल्द हो सके डॉक्टर के पास चलना। फायदा तो यही है कि झाड़ने फूकने वाले के इंतजार में नहीं रहना है। सबसे पहले तो अगर पैर में काटता है तो पैर को बांध देते हैं, इसके बाद उसको स्थिर से मतलब चलने फिरने नहीं देंगे। कैसे बांधते हैं? दस के बांधेंगे या फिर लपेटा? लपेट के उसको कोई चीज से बांधेंगे ताकि हिले नहीं पैर। इसके बाद जहाँ स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ ले जाएंगे, वहाँ उसका उपचार होगा। कितना देर रखना है स्वास्थ्य केंद्र? 24 घंटा, जब तक डॉक्टर नहीं कहते हैं जाने के लिए तब तक वहाँ रखेंगे। की नाम छे? सर्पदंश होने पर झाड़ फूक के चक्कर में समय नहीं बर्बाद करें, बल्कि आप जल्दी से जल्दी अस्पताल जाएं और इसका जो वैज्ञानिक इलाज है वो कराएं। झाड़ फूक से ही यदि सब चीज होता तो आज पोलियो झाड़ फूक वाले खत्म करते, टिटनस झाड़ फूक वाले खत्म करते, बीमारियां झाड़ फूक से हो जाता, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। समय बर्बाद करना है, जो विषैले सांप होते हैं उसमें आप जल्द से जल्द अस्पताल जाइए और इसकी चिंता नहीं करिए कि विषैला काटा है कि नहीं काटा है। आपको काटते ही यदि किसी को काटता है तुरंत अस्पताल जाए और वहाँ 24 घंटे इंतजार करें और अपनी जान बचाएं। कई चीज़ों को और बताया हम लोगों ने, जैसे कि फर्स्ट एड कैसे करें, बहुत टाइट से बांधने से उसके नुकसान भी हैं, सारी बातों को समझाएं और लगातार हम लोग यह अभियान जारी रखें। विगत 7 दिसंबर 2016 को जिलाधिकारी कार्यालय से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी नियुक्ति हेतु एक विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा 3 जुलाई 2019 को चतुर्थ वर्गीय पद पर नियुक्ति हेतु 1000 अभ्यर्थियों की पैनल लिस्ट बनाई गई थी। परंतु तमाम चतुर्थ वर्गीय पद के अभ्यर्थियों का कहना है कि आज तक पैनल के हिसाब से हम लोगों की नियुक्ति नहीं हो पाई। आलम यह है कि तमाम अभ्यर्थी वर्षों से सरकारी कार्यालय का चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, अब वे भुखमरी की कगार पर है। कुछ अभ्यर्थियों की तो केवल रिटायर्ड उम्र
उम्र के 3 माह ही बचे हैं। इसी बाबत आज तमाम चतुर्थवर्गीय पद के अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी कार्यालय में अपने पैनल के हिसाब से नियुक्ति की मांग करते हुए एक लिखित आवेदन दिया। साथ ही यह भी कहा कि यदि हम लोगों की मांगे शांतिपूर्ण तरीके से पूरी नहीं होती तो हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन भूख हड़ताल करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम चतुर्वर्गीय कर्मचारी नियुक्ति के लिए आवेदन निकला था, विज्ञापन निकला था, हम लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया। उसके एवज में 2019 में 3 जुलाई 2019 में हम लोगों का पैनल बना। हम लोग 1000 लोगों का पैनल बना जिलाधिकारी के द्वारा, और जो है उसमें जो है हमारे एक नंबर का पैनलधारी है जिसमें गौरचंद सिन्हा जी, उन्होंने हाईकोर्ट से केस लड़ करके 1 महीने में नियुक्ति का आदेश लेकर के आए थे। और हम लोगों को यहाँ पर जो है 1 महीने में नियुक्ति नहीं किया गया। हम लोग जो है दफ्तर यहाँ का जो ऑफिस का चक्कर लगाते रह गए। इस बीच में 1 साल हो गया। 1 साल के बाद बोलता है कि बिहार एसएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा। तो श्रीमान जब विज्ञापन निकला था उसमें किसी प्रकार का एग्जाम की बात नहीं था, उसमें सिर्फ एक फिजिकल था, साइकिल चलाने के लिए जानते हैं यही योग्यता था। और उसके बाद जो है हम लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है कि अब एग्जाम दिया जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा बिहार एसएससी के द्वारा। अब आप ही बताइए हुजूर कि हम लोगों का 58 साल, किसी का 58 साल हो गया, किसी का 56 साल हो गया है, हम लोगों का फिलहाल अभी 46 साल हो गया है। अब हम लोग जो है एग्जाम देने के लिए मेरा पढ़ाई लगभग 30 साल पहले छूट गया है। अब हम लोगों को सरकार ज़बरदस्ती एग्जाम देने के लिए बिहार एसएससी के द्वारा फॉर्म भरवाया है, और फॉर्म जो है अब बताइए हम लोग 55 को एक मेरा पैनलधारी है, मात्र 6 महीना बचा है उसका एक, अब उस स्थिति में बताइए वो एग्जाम क्या देगा। स्थिति हम लोगों का खराब हो गया है, बद से बदतर हो गया है, हम लोग भूखमरी के कगार पर हैं। आज आप लोग कहाँ आए थे? हम लोग जो है आए थे जिलाधिकारी महोदय को अप्लीकेशन देने के लिए कि हम लोगों के लिए जो है 1000 का जो पैनल बना उस पर हम लोगों के लिए क्या कार्रवाई हो रही है। ठीक है, तो जिलाधिकारी महोदय ट्रांजिट में अप्लीकेशन नहीं लिए, उन्होंने बोला कि स्थापना में जाइए। तो स्थापना में आकर के स्थापना पदाधिकारी से हम लोगों ने एक अप्लीकेशन दिया, आवेदन दिया है, उसमें हम लोगों ने 1000 पैनल धारियों का नियुक्ति के लिए आवेदन में प्रार्थना किया है कि हम लोगों को यथाशीघ्र नियुक्ति किया जाए। हाँ, नियुक्ति नहीं करने के एवज में हम लोगों का कुछ पैनलधारी है कि 6 महीने में रिटायर हो जाएंगे अगर नियुक्ति नहीं हुआ।